हाय दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज आप देख रहे हो दीपक वर्सेस वाइल्ड का नेक्स्ट ब्लॉग जो है सोलर इक्लिप्स के ऊपर। जैसे ही दोस्तों आज 21 जून है, 21 जून जिसको कि आज सोलर इक्लिप्स के नाम से जाना जाता है और आज के दिन में बहुत बड़ा सोलर इक्लिप्स होने वाला है। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, ये मेरे लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इससे पहले मैंने यूट्यूब टीवी वगैरह में सब में देखा था, बट लाइव कभी नहीं देखा था इतना। लेकिन आज मैं वो फील कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपने ये पुराने एक्सरेस, क्योंकि नंगी आंखों से आप देख नहीं सकते और आपको इसके लिए अपनी आई को प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो निकलती है और आपकी आईज को डैमेज कर सकती है दोस्तों। तो अगर आप भी सोलर इक्लिप्स का 21 जून को मजा लेने वाले हैं तो आप यूज कर सकते हैं इन दो एक्सरे की शीट्स को, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये पूरा ग्रहण लग रहा है। और वैसे तो ये 3 बजे तक रहेगा और लेट्स सी किस तरह से। वैसे इसको आप दो तरीके से देख सकते हो, या तो आप कोई आई शेड डार्क आई ग्लासेस पहन सकते हो, सनग्लासेस, या फिर आप एक्सरे का यूज़ कर सकते हो उसको देखने के लिए, और या फिर आप किसी पतीले में पानी को भर के उस पर उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो तो आपको वहाँ पे साफ रहेगा। तो वेल दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं सोलर इक्लिप्स का मजा लेना, क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस है और इससे पहले मैंने कभी भी लाइव नहीं दिखाया। और आपको मैं दिखा दूं कि 12 बज रहे हैं, जैसे 12 बजे जून की गर्मी आपको पता किस तरह आती है, और अभी देखो सूरज की रोशनी कितनी हल्की हो चुकी है। ये मेरे ऊपर आप डायरेक्टली सूरज देख रहे हो, अभी आपको ये पूरा सूरज दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, लेकिन अभी आपको मैं एक जादू दिखाता हूँ। और वो जादू कैसे होगा? वो ऐसे होगा दोस्तों, ऐसे होगा जादू। ये सूरज आप देख रहे हो, ये सूरज देखा, और ये यहाँ देखो। अब आप इसको गौर से देखो दोस्तों, अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो सूरज के आगे जब सूरज और पृथ्वी के, जब पृथ्वी में सूरज इक्लिप्स का मेन कारण होता है दोस्तों कि जब पृथ्वी के और सूरज के बीच में चांद, जिसको हम मून कहते हैं, वो आ जाता है, या उसका कुछ पार्ट जब पृथ्वी को ढकना स्टार्ट कर देता है, तो जो उसकी शेडो होती है सूरज के कारण, जो मून की शेडो होती है, वो अर्थ के अलग अलग पार्ट में पड़ना स्टार्ट हो जाती है। और या फिर जब पूरी तरह से मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो उसको कहते हैं पूरा सूर्य ग्रहण। तो आपको फिर से दिखा दूं मैं इस सूर्य ग्रहण, अगर आप भी देख पा रहे हो तो ये बहुत तगड़ा सूर्य ग्रहण लग रहा है देखने में। और इट्स वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं अपने लाइव अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, और इसको फिर भी ट्राई करूँगा पूरा कैप्चर करने की दोस्तों, कि किस तरह से हम पूरा देख सकते हैं। वेल, ये पूरा का पूरा हम देख रहे हैं और साफ देखा जा सकता है इससे कि हल्का हल्का जो चांद है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आ चुका है दोस्तों, और दैट्स व्हाई कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। तो आप भी अगर आज 21 जून की तारीख को सोलर इक्लिप्स के मजे उठाना चाहते हो तो आइए अपने छत के टॉप में और लेके आइए कोई एक्सरे मशीन या कोई पानी का पतीला, पानी से भरा हुआ पतीला, और उससे आप पूरा मजा ले सकते हो। और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो सूरज की रोशनी इतनी हल्की हो चुकी है दोस्तों, इतनी हल्की कि ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड आई एम वेरी क्रेजी, वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, एंड आई डोंट नो कि आपको ये कितना तेज दिखाई दे रहा है, बट अभी जो रोशनी है दोस्तों वो एकदम लाइट हो चुकी है, एकदम हल्की हो चुकी है, बिल्कुल हल्की पड़ चुकी है। और इसका मेन कारण मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब सूरज के और पृथ्वी के बीच में धीरे धीरे चांद जब आना स्टार्ट कर देता है, और जब वो पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, कवर कर देता है अर्थ को, जितने पार्ट को वो कवर करता है, वो पूरा पार्ट थोड़ी देर के लिए मून की शेडो में डूब जाता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन पौराणिक कथा ये कहती है कि राहु नाम का एक राक्षस था, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो वो इतना सबसे शातिर राक्षसों में से एक था, जिसने वेश बदलकर, देवता का वेश बदलकर, देवता की लाइन पे बैठकर अमृत पूरा पी लिया था। तो जो मोहिनी नामक स्वरूप धारण किया था भगवान श्री हरि ने, तो वो उसको जब उनको दिखता है कि इसने चीटिंग करी है, तो वो उसको उसी समय उसका सुदर्शन चक्र से उसका सर काट देते हैं। और सर काटने के बाद
ये माना जाता है कि राहु का धड़ अलग और सर अलग, और जब भी वो सूर्य को निगलता है तो जब मुंह से निगलता है तो जब वो मुंह के अंदर रहता है राहु के, तो तब तक वो आपका पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण का टाइम होता है, और जैसे ही वो उसके गले से बाहर निकल जाता है या दूसरी तरफ से निकल जाता है तो वो नॉर्मल अपनी सिचुएशन में आ जाता है। तो वैसे तो कहा यह गया है कि 3 बजे तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा दोस्तों, और इससे पहले मैं ये बता दूं कि आई एम वेरी एक्साइटेड, क्यों रीज़न मैंने आपको बता चुका हूं, और अगर आप भी इतना एक्साइटेड है तो आइए अपने छत में और लेके आइए अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स, जिससे आप ये पूरा सोलर इक्लिप्स का पूरा फन उठा सकते हो दोस्तों। तो जल्दी आइए अपने छतों में, बनाइए वीडियो, कैप्चर करिए इस मोमेंट को, हो सकता है ये सोलर ग्रैंड इक्लिप्स जो है सोलर इक्लिप्स वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छे पॉजिटिव बदलाव ला सके। वैसे तो ये हमेशा ग्रहण हमेशा एक नेगेटिव वर्ड है, बट मे बी यू कैन चैंट योर मंत्रास वट एवर गॉड यू बिलीव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आई डोंट नो अबाउट दैट, बट यस इन हिंदू कल्चर इट इज़ वेरी प्रिविलेज, इट इज़ वेरी स्प्रेड इन आवर कल्चर की इस समय आप पूरा मजा ले सकते हो। और देखिए 12 बजे की धूप है और मैं छत पे खड़ा हूँ जिस टाइम पे इतना खतरनाक सोलर इक्लिप्स आपको आई थिंक नंगी आंखों से पूरा सूरज दिखाई दे रहा होगा, बट अभी मैं अगर मैं इस आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हल्का हल्का चांद सूरज और पृथ्वी के बीच में आ रहा है, और जो शेडो है वो पड़ने लग गई है, और जिस कारण आप देख रहे होंगे चारों तरफ बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा हल्का, हल्की हो चुकी है धूप। और इस समय फर्स्ट टाइम आई एम वेरी हैप्पी कि इस समय लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट ये है दोस्तों कि जून की गर्मी में 12 बजे सोलर इक्लिप्स, आपको ऐसा लग रहा होगा सुबह का टाइम है, नहीं दोस्तों ये पूरा डे लाइट है, और इसमें आप भी मजा उठाइए हमारे। अब देखो आप देख सकते हो कि कितना हल्का हो चुका है, कितना हल्का हो चुका है गाइज, आप भी देख सकते हो। और जल्दी से आओ अपने छत पे जल्दी से, और मजे उठाओ पूरे सोलर इक्लिप्स के, बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस होने वाला है दोस्तों। और आई थिंक ये मेरी लाइफ का भी सबसे पहला सोलर इक्लिप्स है, और होपफुली सबकी लाइफ में ये अच्छे चेंजेस लेके आया है, जो जितनी भी नेगेटिविटी फैली है पूरे वर्ल्ड में वो थोड़ा सा कम हो पाए, लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, इम्यूनिटी बूस्ट करते रहें, और अच्छा खाना खाएं, और प्रकृति को भी अच्छा रखें, क्योंकि प्रकृति सबसे पहले है जिसने हमें बनाया। तो वेल इसके लिए मैंने कितना झगड़ा हूँ पेरेंट्स से कि भाई कहाँ है एक्सरे, मुझे सोलर इक्लिप्स देखना है, और गाली खाने के बाद फाइनली मुझे मिल गया सोलर इक्लिप्स। और मोस्टली अपने छतों में ही होंगे जो इस पूरे नज़ारे का मज़ा उठा रहे हैं, लुफ्त उठा रहे हैं, और होपफुली आप भी मज़ा उठा रहे हैं। आपको सूरज पूरा सूरज दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं अपने इस आंखों से देखूं तो वो साफ दिखाई दे सकता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में धीरे धीरे मून की शैडो पड़ने लग गई है, और जिस कारण पृथ्वी मतलब जो जहाँ जहाँ उसका पूरा पार्ट है शैडो का, वहाँ पे हल्की धूप हो चुकी है, एकदम हल्की आँच हो चुकी है, पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा है दोस्तों। मतलब जिस मैंने आपको व्लॉगिंग करने से पहले जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था उसमें तो पूरा मुझे पसीना लग गया था, उस समय थोड़ी तेज थी धूप, बट अभी धूप एकदम कम है दोस्तों, और सबके सब अपने छतों में आ चुके हैं। ये देखो अभी सोलर इक्लिप्स का, तो आप भी जल्द से जल्द अपने छतों पे आओ और मजे उठाओ अपने इस सोलर इक्लिप्स के। और लेकिन नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं गाइस, या तो आपने सनग्लासेस पहने हो और या फिर आपने पहने आपके पास हो एक्सरे के, 2 एक्सरे पड़े हों जिससे आप मतलब इजीली यू कैन वॉच। तो फिर से हम कोशिश करते हैं ये देखने की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख चुके हैं कि सोलर इक्लिप्स अब धीरे धीरे करके सही हो रहे हैं, मतलब आप चांद क्रॉस कर रहे हैं और जो शेडो है धीरे धीरे वापस जा रही है, और जो सूरज की रोशनी है पुनः वापस आ रही है, तो फिर से गर्मी होने स्टार्ट हो जाएगी, और इससे बेटर पहले ही गर्मी हो मैं इस वीडियो को एंड लेकर करता हूँ। और होपफुली आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और जितनी हद तक मैंने ट्राई किया आपको वीडियो दिखाने का, आप इसको पूरा इंजॉय करोगे, और मैं सनग्लासेस और एक्सरे के थ्रू ही
भी आप उसको देखोगे या फिर पानी किसी पतीले में किसी भी वेसल में आप पानी भर के उस पर भी आप देख सकते हो और इसको उसका मजा उठा सकते हो। और नंगी आंखों से गाइस इसको मत देखिएगा क्योंकि बस सूरज की रोशनी वैसे ही बहुत हार्मफुल है। अगर आपने इसको नंगी आंखों से देखा तो आप आई डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और कलर ब्लाइंडनेस कुछ भी आपको हो सकता है। तो आप अपना प्रिकॉशन जरूर रखिएगा। होप करता हूं आई विश कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और वीडियो जरूर पसंद आएगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका मोटिवेशन देता है हम सभी यूट्यूबर्स को। तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बाकी विश कि आपको वीडियो पसंद आए और आप उसको लिंक को जरूर क्लिक करो, सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि जो भी मेरी नई वीडियोस हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन प्रॉपरली टाइम से मिल पाए। और एक झूठी तारीफ ही कर दो यार। और आप ये लाइक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हेल्दी and be with country, be with government. Thank you so much. Take care, goodbye, Sashri Akal.